दर्शकों, आप देख रहे हैं आरसपुरा बिश्नाह अपडेट और मैं हूं साहिल कुमार। इस वक्त हैं हम आरसपुरा के गांव सईंग के पास, जो पीर बाबा है, हरा पीर नाम से स्थित है। यहां के लोगों में यहां पे बहुत महानता है। ये बॉर्डर के 5-6 किलोमीटर ही पास में है। आइए यहां पे जानते हैं इस पीर बाबा जी की क्या खासियत है और लोग क्यों इस जगह पे आते हैं, क्यों इस पीर बाबा जी का नाम हरा पीर पड़ा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। सर, हमें बताइए इस पीर बाबा का। जय बाबा हरा पीर के नाम से जाना जाता है। जे हमारा गांव सई कलां आरसपुरा बॉर्डर, ये जहाँ से 1.5 किलोमीटर बॉर्डर है। और बाबा जी की महानता है कि सूखे को हरा करना, क्योंकि जब बच्चे सूख जाते हैं तो बीमारियों से परेशान होकर जब बच्चे बाबा जी के जहाँ पर ये सरोवर जा रही है, जहाँ पर स्नान करते हैं, तो बाबा जी की बांह पर उनकी रहमत से बच्चे हरे हो जाते हैं। तब से ही बाबा जी का नाम हरा पीर से माना जाता है। और दूसरी महानता इनकी ये है कि बाबा जी बे औलाद को औलाद बख्श दे हैं। जिनके घर औलाद नहीं होती तो 20-20 साल से होती है उनकी शादी हुई, बड़े लोग परेशान होकर बाबा जी से मांगते हैं तो बाबा जी दे देते हैं। आपने बताया ये 1.5 किलोमीटर के पास ही है, बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका है, तो लोग का किस तरह से हर्षोल्लास रहता है यहाँ पे? कहते हैं मेले का भी आयोजन किया जाता है। हाँ, जहाँ पर अभी मेला हमारा 18 को शुरू हो रहा है, 18 जून को नाइट को जहाँ पर महफल होगी, बहुत बड़ा रंगो रंग प्रोग्राम होगा। तो उसमें हम जो कव्वाल है पंजाब से आ रहे हैं, हमारे J&K स्टेट के कव्वाल आ रहे हैं, और अलग अलग के वो बाबा जी आकर अपना गुणगान गाएंगे। और दूसरा लोग जे इस दरबार में, बाबा हरा पीर के दरबार में अनेक जातों के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं। तो बाबा जी से जो मांगते हैं बाबा जी उनकी मुरादें पूरी करता है। सर, क्या सरकार द्वारा इस पीर बाबे के ऊपर अति कुछ नहीं जी, हमें सरकार की कोई महानता अभी तक हमें सरकार ने दी नहीं है, क्योंकि हमारे ये गांव वाले हैं ना, हमारे सही ये सब हम बाबा जी को मानते हैं। जो भी बाबा जी का जो भी थोड़ा बहुत होता है, कुछ हम गांव वाले आपस में जो भी कर ये बाबा जी की डेवलपमेंट करा रहे हैं। सरकार तक से हमें कोई भी फैसिलिटी बाबा जी से नहीं मिली। यहाँ पे कुछ और भी दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? महाराज, मेरा नाम सोनी है। सर, आप भी पीर बाबा में फर्स्ट टाइम? हम भी बाबा की सेवा करते हैं, ढोल बजाते हैं। ढोल बजाते हैं। हाँ। सर, कितनी श्रद्धा है इस पीर बाबा जी की? बहुत ज्यादा श्रद्धा है। सभी जो मेले का जो दिन हो रहा है, ये कब होने वाला? ये 20 तारीख होगा, हाड़ के पहले वीरवार। तो धूमधाम से मेला आता है, बहुत दूर से दुनिया आती है। तो बाबे में जो भी कोई मांग करता है उसकी पूरी होती है। तो क्या गवर्नमेंट इस तरफ कुछ ध्यान दे रही है? ये इतनी महानता पीर बाबा जी की, इस तरफ गवर्नमेंट का कुछ प्रचार? गवर्नमेंट का इधर में कोई प्रचार नहीं। हमने देखा जो इधर की डेवलपमेंट है, जो कमेटी है इधर की, तो सब काम वही कर रही है। बाबा जी के जो भी अपने सुलह के डेके लंगर लगा रही है, सेवा कर रही है, संगत आ जाएगी उसकी सेवा कर रही है। बाकी बाबा जी की बहुत कृपा है, हमारे भी कृपा है, हमारे जितने भी भक्त हैं सारे पे कृपा है। जो मांग रहे हैं बाबा वो दे रहा है, उन्हीं के सहारे में हम दौड़ी फिरते रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया चाहिए। तो सानू भी 11-12 साल हो गया बाबे दी दरगाह च आंदे ढोल बजाते, तो बड़ी रहमत देखी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सब भाई भाई हैं, कोई भेदभाव कोई होली लैनी देनी नहीं, जो भी आ रहा चढ़दियाँ कलां च बाबा भेजदा, तो अपने सुखना चाढ़ देना, तो अपनिया सुखना चाढ़ के तो अपनी मुरादां पूरियां पा देना। गड्डिया वाले गड्डिया लैके जाते हैं, पुत्रां वाले पुत्र लैके जाते हैं, जो भी कुसा ने जिंदगी इत्थों मंगया उन्हें मिलिया। श्रद्धा नाल जो भी इत्थे आंदा उहदी मनोकामना पूरी करदी है। बाकी साडे बाबे हरे पीर की इन्नी कृपा कि बाबे बुल्लड शाह दा जिहड़ा दरबार है, बाबे एयरपोर्ट वाला, उहदे तों भी मन्नत, जिन्नी उहदी मन्नत है उन्नी साडी सरकार की मन्नत है। बाकी इहदी इन्नी कृपा कि जो भी इत्थे आया सारे दी मनोकामना पूरियां कीतियां बाबे ने, ते चढ़दियां कलां च रखदा बाबा। तो अही कहने कि साड़ी यही बेनती है कि बाबा हरा पीर सारे दी मुरादा पूरियां करे, तो सारे दी मनोकामना पूरियां करे, तो उनके पिछे साड़ियां भी करे। ये थे हमारे साथ गांव सईंग के तंगाली। ये आरसपुरा के रोड पे सईंग के पास ये गांव है।
यहाँ पे हरे पीर जी का हर वर्ष वार्षिक मेला लगता है, लंगर की व्यवस्था की जाती है, लोगों की इस तरफ बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास है, लोग काफ़ी दूर दूर से माथा टेकने आते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे सिख, हिंदू, ईसाई सब धर्म के लोग आते हैं। कैमरामैन बिशन के साथ साहिल कुमार, आरएसपुरा बिशन, अपडेट के लिए।